तो इस गल का हमेशा ख्याल करना, क्योंकि जिथे निशान साहब है ये तो फुलां दीआं माळावां पाईआं होईआं, ये तो दोवें हाथ जोड़ के संगत नूं बेनती, इन ढो नहीं लाई दी हुंदी, इहदे नाल नाल ही फौजां खड़ियां हुंदीआं चारे पासे, थोड़ा जिहा नरम चलदे ने उह, कुछ कहिंदे नहीं है वी चलो अपनी संगत है। साडे शरीरां दी अपवित्रता भी बहुत हुंदी, नाल ना लग्या करो निशान साहब दे जोड़ा नहीं लिजाणा। मैं जिथे भी जांदा पहलां कहिंदा वी निशान साहब दे दुआले दुआले ना जंगला ला दो। एक जगह गए उत्थे निशान साहब दे लाल ही जोड़े लाए पए संगत दे, क्यों वह जिहड़ा है ना वह भेजा वह काम नहीं करता। एक निशान साहब लई तां करोड़ा शहीदियां, मैं जब निशान साहब नूं नमस्कार करदा करोड़ा शहीद याद आउंदे ने वी तुहाडी कृपा नाल ही खड़ा, तुहाडे इन्ने शीश लगे ने तां इह निशान साहब खड़ा है। जे इन्ने सिंघां दे सिर ना लगदे तां इह निशान साहब खड़ा नहीं जी रह सकदा। निशान साहब का सत्कार जिहड़ा है ये गुरु साहब जिन्ना ही, मर्यादावां लुकदियां जा रही। सूरज प्रकाश की कथा नूं किंतु वर, सूरज प्रकाश की कथा हजार गुरुद्वारे च हुंदी, अज श्रोमणी कमेटी के सारे गुरुद्वारे च हुंदी है, बाकी थावां सारिआं ते हुंदी है। जदों दसवें पातशाह जदों गुरु नानक देव जी ने गुरता गद्दी गुरु अंगद देव जी नूं मान लो दित्ती आ, सौंप दित्ती, तां उह आके पहलां आप गुरता गद्दी नूं मत्था टेकदे सी वी इह गुरु नानक दी गद्दी है, फिर परिक्रमा करनियां उहदियां चार पंज, फिर आके बैठना। इह तीजे पातशाह भी करदे, नौवें भी, इह दसवें भी। फिर जदों भी घोड़े ते चढ़ना है पहलां आके घोड़े नूं नमस्कार करके घोड़े दीआं परिक्रमा करके फिर घोड़े ते चढ़दे हुंदे, घोड़े का सत्कार, शस्त्रां का सत्कार, क्योंकि ये चीज़ नूं आपां भुल चुके हैं सारे। ये गल मैं हमेशा थोनों पहला भी कही भी जे कोई रुकावट आउंदी है, काम कार रुकते ने, बीमारियां नहीं खेड़ा छड़दियां, निशान साहब का थड़ा रोज कच्ची लस्सी नाल धो के कपड़ा उत्ते फेर के उत्ते गुलाब के फुल दूजे फुल पा के धूप बत्ती करके एक चित होकर अरदास करो भी ये शहीदो सिंघो साढ़े ते कृपा करो, साढ़े परिवार दीआं बीमारियां दूर करो, कुछ भी मंग लो। ये सिरे ते जाके देखो की लग्या, खंडा लग्या होया, खंडा प्रथमे साज कै सब सहसार उपाया, ये जिहड़ा खंडा शस्त्र है, चाहे तीर लग्या होवे, जदों केसरी चंद दा सिर वढ़िया भाई उदय सिंह ने उस जंग दे विच एक सिंह रह गया सी जिहदे हाथ निशान साहब फड़िया होया सी, जद उहदे तीर वज्जिया उह सिंह डिगण लग्या निशान साहब सने, एक सिंह होर आया उहने भज के आके निशान साहब फड़ के खड़ा ही रखे। निशान दे डिगण दा मतलब फौज हार गई, निशान खड़ा ही रहे ताइयों कहा झूल ते निशान रहे पंथ महाराज के। बाबा दीप सिंह दी फोटो अज भी देखो जिथे उह जंग लड़न लई फौजां जा रहे सीस ते, उत्थे इक सिंह मूहरे निशान साहब लैके जा रहे। शस्त्रां दी अहमियत नूं समझो, महाराज ने जो जो बख्शिया, कलगीधर महाराज जी तां कंघे नूं भी धूफ करदे हुंदे सी, केसी नहा के अपने केसां नूं धूफ करनी, क्योंकि अकाल पुरख की मोहर ने केस, तखत दा नां कुछ होर भी रख सकदे सी पर केसगढ़ साहब ही रख्या। महाराज ने कहा जिस दिन जेड़े घर च केस कट्टे गए उत्थों सिक्खी की जड़ सुक गई, उदन कहने महाराज फिर हरी किवें हो, कहने केस रख ले जड़ हरी। जद बठिंडे दे इलाके दमदमा साहब आए ने सारे इलाके च बुखार फैलिया होया सी बड़ा, संगत कट्ठी होके गई महाराज जी बुखार नहीं खेड़ा छड़दा, कलगीधर महाराज जी कहने जेड़ा केस रखी जाऊ उहदा बुखार हटी जाऊ। उदों सिखां ने इधरलियां ने जिट्टां जिमींदारां पिंडां ने बचन कमाए सुखी होए, अज गुरु तो बेमुख हो के नशई हो गए, केस कटते होर पासे जा वड़े, गुरु साहब नूं छड़ता। जिन्हां दी कृपा नाल मालवा, मालवे दा अर्थ पता की आ, हरा भरा, हरा भरा मालवे दा अर्थ है,
जिन्हां दी कृपा नाल मालवा हरा भरा होया, अंगूर लगे ने, किन्नू उत्थों आउंदे ने, हर तरह का फ्रूट उत्थे पैदा होया, नहरां उत्थे चलियां कलगीधर महाराज की कृपा नाल, हुण उत्थे कोई होर कब्जा करी बैठा। सतगुरां ने कहा सी मालवा गुरु का है, इस करके ये गुरु का मालवा है। आ देखो टालियाणा साहब है, मैं गुरुद्वारों की कोई कमी नहीं गी, तो कितने मर्जी चले जाओ, सब तो वध यात्रा पहले पातशाह ने दुनिया तारीख हर थां गए। उदू बाद गुरुद्वारे आते सब तो ज्यादा छेवें पातशाह, फिर नौवें पातशाह, फिर दसवें पातशाह। ये पातशाह हर जगह दे उत्ते गए ने और हर जगह दे उत्ते गुरु घर बने हुए ने। कि जब बाबा जी का दिन जन्मदिन मनाया, अज आगमन दिवस है गुरमुखां दा, अमर शहीद पदवी है। शहीद तीन तरह के होंगे, एक नूं जोश आया अमृत नहीं छकिया पर कुरबानी कर गया, उन्हां नूं फिर जन्म दिंदे ने, मध्यम शहीद कहाउंदे ने। एक अमृतधारी नितनेमी पंज बाणियां दा रहत बहत दा परपक्क है, शहीद होया वह शहीदां च आ जांदा। एक दी कुरैत कीती हुई है, वह फिर जन्म लैंदा। एक ब्रह्म ज्ञान विच पहुंच के फिर सीस तली ते रख के जंग करदा, बंद बंद कटवाउंदा है, वह अमर शहीद हुंदे ने। इस करके साध संगत अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी हर जगह दे उत्ते जो व्यापक ने, हर जगह दे उत्ते हाजिर ने, असी भी मंगते उन्हां तों बाबा जी सानू भी सिखी बख्शो, नामदान बख्शो, खुशियां बख्शो, नितनेम बख्शो। अपना तुसी पंज ग्रंथी दस ग्रंथी रोज पढ़ते सी, सानू भी बख्शो। वैसे कोई औखी गल नहीं है, जे तकड़ा हो के एक सिख पंज ग्रंथी दा पाठ, पंज ग्रंथी दा पाठ पहला पहला लगते चार घंटे। असली जीवन खालसे दा है, शरीरक जीवन अपना ठीक ठीक ही, आत्मक जीवन वड्डी चीज है अपने कोले। जिहड़ा आत्मा शुद्ध होके परमात्मा विच लीन होना है, यह वड्डी चीज हुंदी है। एक जीवन हुंदा शरीरक, एक हुंदा आत्मक जीवन। महापुरखां दा शरीरक जीवन भी टॉप क्लास, आत्मक जीवन भी टॉप क्लास सी उन्हां दा। बहुत बड़ी कृपा सी सच्चे पातशाह दी। इस करके आपां कल भी मैं कितने कथा की, तो उत्थे मैं संगत नूं इह कहा सी वी आत्मक जीवन भी जिउणा सिख लो, कल्ला शरीरक जीवन ही जिउई जांदे हो। अज चाह बड़ी सवाद सी, लंगर बड़ा सवाद सी, ये कपड़े बड़े निघे है, ये पानी बड़ा निघा सी सवेरे नहाउण नूं। ये शरीर सारी किरिया कदे सोचा करो भी जो ये कारण है, शरीरक किहड़ी है, आत्मक किहड़ी। और रात बैड ते सुते रजाई बड़ी, ये भी शरीरक है, उस शरीर नूं सुख दिता उहने। कोई भी चीज पहला सोचो भी ये शरीरक है कि आत्मक है। आत्मक काम तो 24 घंटे में आप एक मिनट भी नहीं करते है कोई, बस यही कही जाने। अज सब्जी बहुत सवाद सी, आ मेरे आ पाया होया, मेरे आ कपड़ा आ फना, ये आत्मक की सीगा? आत्मक तो कुछ भी नहीं है। जे नितनेम किया तो सुनिया ही नहीं है, रह रास की तो सुनी ही नहीं है। मूल मंत्र पंजां प्यारां ने जब दिता सी, पंज प्यारां ने अमृत छकाया, तो उदों कह रहे सी वी साध संगत जी स्वास स्वास नितनेम वाहिगुरु मंत्र करना, पंज बाणियां सवेरे रह रास, शाम नूं कीर्तन सोहला, रात नूं मूल मंत्र दा पाठ हर टाइम करना, स्वास स्वास सिमन भी नाल करी जाना। मैनूं तां कोई दींदा नहीं सिख जिहड़ा हो पंज बाणियां वाले, इत्थे किन्ने क बैठे आले देख लैंदे, पंज बाणियां नहीं पढ़ियां सवेर दीआं कईआं ने। जा ये देख लो भी थोड़े चो स्वास स्वास कौन सिमरन करता, मुगल मंत्र दियां थोड़ियां किन्नियां कमाला ने, कुछ भी नहीं हैगा। ये नहीं कि रंग बिरंगियां पगां बन लिया हुण कपड़े पा ले हो जे, कल्ला बाणा नहीं, दो खंभ दिते खालसे नूं, एक बाणी ते एक बाणा। एक खंभ दे आसरे कदे भी नहीं उड्डे जाना। बाणी जिहड़ी आ उह वड्डी है, बाणी दे नाल कृपा हुंदी है। आत्मक बल बाणी ने देना, बल होया बंधन छुटे, सब कुछ होत पाए नानक, सब कुछ तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। बल होगा ता गल बणो, बल अकाल पुरख ने देना।
ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰੱਖ ਹੈ, ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸਕਰ ਕੋਟ ਲੱਖ ਹੈ।